नमस्कार, प्रदेश एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबर देखते हैं विस्तार से। प्रदेश सरकार द्वारा पेट्रोल डीजल पर लगाए गए बेतहाशा टैक्स के खिलाफ अंधा आंदोलन शुरू हो गया है। प्रदेश ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चक्काजाम कर दिया है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात के ट्रांसपोर्टर्स ने भी मध्य प्रदेश की हड़ताल का समर्थन करते हुए ऐलान किया है कि आने वाले 3 दिनों में देश का कोई भी ट्रांसपोर्टर प्रदेश में माल नहीं भेजेगा। कोरोना को मात दे चुके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्लाज्मा डोनेट करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा है कि वह इस लोगों की जान बचाने के लिए प्लाज्मा दान करेंगे। शिवराज सिंह चौहान 25 जुलाई को कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। 11 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद वह 5 अगस्त को डिस्चार्ज हुए। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान क्वारंटीन में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोरोना महामारी से लोगों की जान बचाने के लिए वह प्लाज्मा दान करेंगे। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस पर जीत से कम कुछ नहीं चाहिए। प्रदेश में कोरोना की मृत्यु दर को न्यूनतम करने के लिए प्रशासन, चिकित्सक और जनता को साथ मिलकर काम करना होगा। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का रिकवरी रेट बढ़ाने के लिए अब मरीजों का ब्रेन बूस्ट किया जाएगा। इसके लिए मनोवैज्ञानिक की मदद ली जाएगी। यह बात लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कही। इसके साथ ही मरीजों का मन बहलाने के लिए अस्पतालों में मनोरंजन, इंडोर गेम, संगीत, टेलीविजन, ध्यान व योग और प्रेरक बातें करने वाले वक्ताओं आदि की व्यवस्था की जाएगी। इस संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मरीजों को मानसिक अवसाद में जाने से रोकने के लिए प्रयास करने को कहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा मरीज ठीक हो सके। 60 साल की अधिक उम्र के मरीजों को चिन्हित कर उन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। निवाड़ी विधायक अनिल जैन की फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर पैसों की मांग को लेकर संदेश भेजे जा रहे हैं। मैसेज में पेटीएम अकाउंट का नंबर भी दिया गया है। इसकी जानकारी लगते ही विधायक जैन ने निवाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। थाना प्रभारी नरेंद्र वर्मा ने बताया कि जैन की शिकायत पर रिपोर्ट दर्ज कर साइबर सेल को दे दिया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि हमारी 15 महीने की सरकार ने आदिवासियों के हित में कई फैसले लिए, जो पिछले 15 साल रही सरकार नहीं ले पाई। नाथ ने रविवार को विश्व आदिवासी दिवस पर टेली कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आदिवासियों को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने आदिवासियों को साहूकारी चंगुल से मुक्त कराने के लिए कर्ज देने की व्यवस्था की। उन्होंने कहा कि उपचुनाव के बाद उनकी सरकार बनने पर आदिवासी युवाओं के रोजगार की योजना बनाई जाएगी। कमलनाथ के रोजगार वाले बयान पर टिप्पणी करते हुए प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि कमलनाथ सरकार ने अपने 15 महीने में आदिवासियों के लिए कुछ नहीं किया। शर्मा ने कहा कि आदिवासियों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उनकी चिंता सरकार कर रही है। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले भाजपा और कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को फूट का डर भी सता रहा है, क्योंकि जुलाई के महीने में कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी छोड़ चुके हैं। सियासी अटकलों के बीच मंत्री एंदल सिंह कंसाना ने एक बार फिर दावा किया है कि कांग्रेस के कई विधायक मेरे संपर्क में हैं। एंदल सिंह कंसाना इससे पहले भी दावा कर चुके हैं कि कांग्रेस विधायक उनके संपर्क में हैं। आगामी उपचुनाव में 27 विधानसभा सीटों में से 7 सीटें आरक्षित वर्ग की हैं। प्रदेश में आदिवासी और दलित आरक्षित 77 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से 46 आदिवासी है। पिछले चुनाव में 15 साल से भाजपा के साथ रहने वाला आदिवासी वोट बैंक छिटक गया था, जिसका भाजपा को नुकसान हुआ था, इसलिए आदिवासियों को मनाने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो से कथित छेड़खानी के बाद पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर केस दर्ज होने के मामले में कमलनाथ ने कहा कि भाजपा निरंतर प्रदेश में गलत परंपराओं को जन्म दे रही है और राजनीतिक बदले दबाव व द्वेष की भावना से काम कर रही है। उन्होंने भाजपा को इस कुषित व घृणित राजनीति से बाज आने को कहा है और चेतावनी दी है कि कांग्रेस सड़कों पर उतरेगी। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता व सांसद विवेक तनखा ने कहा है कि अब कांग्रेस की भाजपा से सीधी लड़ाई प्रजातांत्रिक मूल्यों को बचाने की होगी। उन्होंने कहा कि यदि व्यंग करने वाला भाजपा समर्थक तो व्यंग है, अन्यथा अपराध है। इससे पहले रविवार को कांग्रेस विधायक और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के खिलाफ इंदौर की पुलिस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक ट्वीट करने पर केस दर्ज किया। यह मामला भाजपा शहर अध्यक्ष गौरव रणदीवे की शिकायत पर धारा 188 व 464 के तहत पर दर्ज किया गया है। कमलनाथ ने अगस्त क्रांति दिवस पर अपने निवास पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान करते हुए कहा कि आजादी मिलने के बाद देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसमें चुनी हुई सरकार 5 वर्ष तक सत्ता चलाती थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनी हुई सरकारों को पैसे के बल पर गिराकर लोकमत खरीद रही है। कमलनाथ ने स्वतंत्रता सेनानियों से कहा कि कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, इस लड़ाई को लड़ने में आप कांग्रेस को आशीर्वाद दें। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह ने कहा कि देश
देश भाषण से नहीं रोजगार से चलेगा, झूठे वादों से नहीं युवाओं का भविष्य संवारने से ही देश बचेगा। उन्होंने युवक कांग्रेस के स्थापना दिवस पर अपने संबोधन में यह बात कही। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने प्रांतों में युवाओं को जोड़ने के लिए अभियान चलाने की बात की है। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लोगों के साथ संघ की शाखा शुरू करने को हरी झंडी दे दी है, लेकिन शहरों में रोक लगाई हुई है। भागवत के आने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की मध्य प्रदेश इकाई में दायित्व परिवर्तन भी किया गया है। संविदा में कार्यालय प्रमुख का काम देख रहे प्रांत कार्यकारिणी सदस्य सुरेश जैन को क्षेत्र सह व्यवस्था प्रमुख बनाया गया है। वहीं हेमंत सेठिया मध्य भारत प्रांत सह कार्यवाह होंगे। संघ ने घुमंतू जाति की मदद करने का फैसला भी किया है। बहुचर्चित हनी ट्रैप मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी के प्रमुख राजेंद्र कुमार 31 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, इसलिए इस मामले में अरुणा मोहन राव को एसआईटी प्रमुख बनाया जा सकता है। इस दौर में एडीजी मिलिंद कालसकर का नाम भी शामिल है। इस बीच एसआईटी ने 4 दिन पहले 3 बंद लिफाफे में जो स्टेटस रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंपी है, उसमें कई रिटायर्ड और मौजूदा आईएएस अफसरों के नाम भी शामिल है। एक पूर्व मंत्री का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है, हालांकि रिपोर्ट में किसी आईपीएस का नाम नहीं है। दतिया में भांडेर के बहरान मोहल्ला में 22 महीने पहले हुए दंपत्ति हत्याकांड और 1.5 महीने पहले आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के अंधे कत्ल को बहरान मोहल्ले में रहने वाले संगी युवक बबलू उर्फ जुगल किशोर ढीमर ने अंजाम दिया था। आरोपी ने 11 साल पहले भी एक हत्या की थी। ये तीनों बड़ी वारदातें एक ही तरीके से की गई थी और मामूली कहासुनी पर हुई थी। आरोपी ने हत्या करने के बाद वहां से जेवरात व नकदी की भी लूटपाट की थी। इसका खुलासा आरोपी के पकड़े जाने के बाद खुद आरोपी ने ही किया है। इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली है कि भांडेर के बहरान मोहल्ले में 22 महीने पहले हुई याकूब और उसकी पत्नी सलमा बैग की हत्या के पीछे मोहल्ले में ही रहने वाले बबलू उर्फ जुगल किशोर पुत्र नारायण दास ढीमर का हाथ है। एसपी ने एसपी के निर्देश पर जब भांडेर पुलिस ने जुगल किशोर को पकड़ा और पूछताछ की तो उसने न केवल याकूब व उसकी पत्नी सलमा बल्कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता राजकुमारी उर्फ लोढ़ा सोनी की हत्या करना भी स्वीकार की है। खंडवा के पंधाना थाना क्षेत्र के टाकली गांव में सामूहिक आत्महत्या के मामले में पुलिस ने मृतका के पति सास नंद जेठ देवस सहित 8 आरोपियों पर धारा 306 का प्रकरण दर्ज किया है। इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं मृतका के परिजन ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। टाकली गांव में शुक्रवार शाम 4 बजे कुएं में संतोष पटेल नामक विवाहिता और उसकी 13 साल की बेटी निकिता व बिंदु की लाश कुएं में मिली थी। संतोष बाई की शादी को 16 साल हो गए थे, उनकी 2 बेटियां थी। इस कारण पति सास व परिवार के अन्य सदस्य संतोष से नफरत करने लगे थे। बेटा नहीं पैदा करने पर ससुराल में उसे ताने दिए जाते थे। इस कारण संतोष बाई ने अपनी दोनों बेटियों के साथ कुएं में कूदकर जान दे दी। मृतका के बड़े भाई भगवान तिरोले की शिकायत पर आरोपी पति सुरेश नारायण पटेल, सास सुंदरबाई, जेठ कड़वा नारायण पटेल, देवा मुकेश नारायण नंद, आशा बाई, संतोष नंदोई, रामेश्वर पटेल, राधेश्याम पटेल के खिलाफ धारा 306-34 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। धार के मनावर थाना क्षेत्र ग्राम जुलवानिया लोनहेरा के बोंदरपुरा में शनिवार आधी रात को हथियार बंद बदमाशों ने फायरिंग करते हुए डकैती की, जिसमें बंदूक की गोली के छर्रे लगने से एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। घायलों को हाथ व पैरों में छर्रे लगे हैं। बदमाश घायल राजा राम मंडलोई के घर से पेटी उठाकर ले गए। पेटी में नकदी व गहने रखे हुए थे। पुलिस जांच में जुटी हुई है। बदमाशों ने 3 घरों में वारदात का प्रयास किया। बदमाशों ने शंकर मंडलोई के परिवार पर गोली तानकर पहले 3 लाख रुपए की फिरौती मांगी। बाद में पैसे नहीं मिलने पर घर में बंधे 7 बकरा बकरी खोल दिए और LCD टीवी 2 मोबाइल ले गए। इसके बाद बदमाशों ने पास में रहने वाले राजा राम के घर डकैती की। घटना के समय बकरियों की आवाज और हल्ला होने पर ग्रामीणों ने डकैतों का घेराव कर दिया। इस पर डकैतों ने फायरिंग कर दी। इससे पुष्पा गोराबाई, राजा राम व संग्राम घायल हो गए। बाद में बदमाश भाग खड़े हुए। डकैती की रकम और सामग्री लाखों रुपए की है। भोपाल में कोरोना ने रफ्तार पकड़ ली है। पहले 1000 मरीज 55 दिन में मिले थे, अंतिम 1007 दिन में ही बढ़ गए हैं। सरकार ने फैसला किया है कि 1 या 2 बेडरूम के घर में होम आइसोलेशन नहीं होगा। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक आयोजन और जुलूस पर रोक लगी रहेगी। राजगढ़ पुलिस ने हरियाणा से लाई गई अवैध संतरा शराब की 30,000 बोतलें जब्त की हैं। इनकी कीमत करीब 37 लाख रुपए आकी गई है। आरोपियों ने पुलिस से बचने के लिए ट्रक के अंदर एक कैबिन बना रखा था। इसके लिए रास्ता सिर्फ ड्राइवर की सीट की तरफ से था। पुलिस से बचने के लिए चैम्बर के ऊपर लकड़ियों को तिरपाल से ढक कर रखा था।
कोरोना वायरस मीडिया बुलेटिन में सरकार एक आंकड़ा सामने रखकर पॉजिटिव बात करती है तो दूसरा आंकड़ा अपने आप हालात की गंभीरता को बयां करने लगता है। आज की रिपोर्ट में मात्र 24 घंटे में 19 मौतें दर्ज की गई हैं। अस्पतालों में 9000 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं। करीब 1500 संक्रमित लोग होम आइसोलेशन में हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार।